Dear students, now we are going to talk about the internet addiction. Uh, uh, we come to know that due to the excessive use of internet uh, in our day-to-day -day life, we are becoming internet addict, and we uh, hear or we come to know that certain people are considered as internet addict. सो व्हाट इज़ इंटरनेट एडिक्शन इंटरनेट एडिक्शन इज़ अ प्रॉब्लमेटिक कम्पल्सिव यूज़ ऑफ़ द इंटरनेट दैट रिजल्ट्स इन सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन एन इंडिविजुअल्स फंक्शंस इन वेरियस लाइफ डोमेन्स ओवर अ प्रलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम तो जब हम इंटरनेट एडिक्शन को डिफाइन करते हैं तो ऐसा कंपल्सिव यूज़ ऑफ इंटरनेट जिसकी वजह से आपकी जो रूटीन लाइफ है डिस्टर्ब हो जाए और आप डिफरेंट जो डे टू डे लाइफ के जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं फंक्शंस हैं उसको एक्टिवली जो है ना परफॉर्म कर सकें और आप का ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा देर तक चले तो इसको कंसिडर किया जाता है इंटरनेट एडिक्शन दो वैन वी टॉक अबाउट इंटरनेट एडिक्शन इंटरनेट एडिक्शन इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ साइकोलॉजिकल डिस्ट by the american psychological association but some scholars say that internet addiction is a, a leading health problem for the young generation who is uh, heavily dependent on the internet so if we talk about the symptoms of the uh, uh, internet addiction we can categorize uh, uh, symptoms of internet addiction in uh, three categories फिजिकल सिम्टम्स साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और सोशल सिम्टम्स सो लेट्स फर्स्ट सी द फिज़िकल सिम्टम्स सो दोज हुर इंटरनेट एडिक्ट मे हैव बैक और हेड एक उनको यानि कमर दर्द और सर दर्द की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती होगी इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होगी यानी उनको प्रॉपर जो वो सो नहीं पाते और उन्हें नेक पेन रहती है यानी उनको गर्दन में बहुत शदीद दर्द रहती है और ड्राई आईज़ और विजन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कम हो जाता है और उनकी डाइट्री पैटर्न्स भी चेंज हो जाते हैं या तो वो जो है कंपल्सिव ईटिंग करते हैं और यहाँ बिल्कुल ईटिंग अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और अगर हम सोशल से सिम्टम्स की बात करें इन इंटरनेट एडिक्शन की तो आपकी जो सबसे बड़ी इसकी सिम्टम है वो है इन टू प्रायोरिटाइज और कीप स्कीजूअल्स आप अपने जो है कामों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते और जो आपने अपना एक स्केजल बनाया हुआ है उसको फॉलो नहीं कर पाते वक्त से जो चीज़ों को करना होता है आप उसमें नाकाम रहते हैं आप सोशल uh, आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं आपको दूसरों से बात करना अच्छा नहीं लगता दूसरों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता आपको यू डोंट हैव एनी सेंस ऑफ द टाइम आपको पता ही नहीं चलता आप कब से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं या इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कितनी देर हो गई है उसके ऊपर उस यूज़ करते हुए उसको डिफेंसिवनेस आपके बिहेवियर में आ जाती है यानी आप यू फील डिफेंसिव वन एवर है सम वन इज़ टॉकिंग टू यू एंड यू अवॉयड डूइंग वर्क आप अपना काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते और कोशिश होती है कि आप कोई काम ना ही करें एंड यू बिकम बोर विद द रूटीन टास्क जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ होती हैं आप उनको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं और वह आपको बुरी लगना शुरू हो जाती हैं जब हम इसके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स की बात करते हैं इंटरनेट एडिक्शन की तो आपको डिप्रेशन हो सकती है आपको फीलिंग ऑफ़ गिल्ट हो सकती है एंजाइटी हो सकती है आपके मूड्स में बड़ा ड्रास्टिक स्विंग हो सकता है और यू मे हैव द फीलिंग ऑफ फियर एज वेल जब हम इसके डायग्नोस्टिक की बात करते हैं इंटरनेट एडिक्शन की तो एक पॉपुलर क्राइटेरिया है जिस जो डेवलप किया बर्ड ने में

नीड्स टू यूज़ द इंटरनेट विद द इंक्रीज अमाउंट ऑफ टाइम टू गन सेटिसफेक्शन आपको जब भी अपना आपको लगता है कि आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे आपको यही वजह समझ आती है कि आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं या आपका इंटरनेट टाइमिंग डे बाई डे बढ़ रही हैज़ मेड इन सक्सेसफुल एफर्ट्स टू कंट्रोल कट बैक और स्टॉप यूज ऑफ द इंटरनेट आप चाहते हैं कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल कम कर दें मगर यू आर नाट एबल टू कंट्रोल योर टाइमिंग एंड यू आर रेस्टलेस मूडी डिप्रेस और इरेटेबल वैन अटेम टू कंट्रोल इंटरनेट यूज एंड यू हैज स्टेड ऑनलाइन लॉर्जर दैन औरिजनली इंटेंडेड तो आप जाते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मैं दो चार मिनट देख लूँ और बाद में आपको पता लगता है कि आपने दो तीन घंटे उसके ऊपर ज़ाया कर दिए हैं तो ये तमाम जो है जो है आप कह लें पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पे हम इंटरनेट एडिक्शन को एट फर्स्ट लेवल असेस कर सकते हैं जब हम इंटरनेट एडिक्शन की बात करते हैं तो इसकी कुछ और टाइप्स भी हैं जैसे सोशल मीडिया एडिक्शन है गेमिंग एडिक्शन है सेल्फ़ी एडिक्शन है या पोर्नोग्राफिक एडिक्शन है तो ये टाइप्स इंटरनेट एडिक्शन की भी मानी जाती हैं और इनको अलग से भी एडिक्शन की टाइप्स माना जाता है